नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s के दो बड़े सुपरस्टार्स गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म जोड़ी नंबर वन और सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म बिग ब्रदर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने ज्यादा कमाई की और कौन सा सुपरस्टार अपनी फिल्म को हिट कराने में कामयाब रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानी कि गोविंदा सर और बॉलीवुड के खलनायक यानी कि संजू बाबा की फिल्म जोड़ी नंबर वन के बारे में। दोस्तों बता दें आपको कि जोड़ी नंबर वन एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें आपको खूब हंसने का मौका मिला था। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 अप्रैल 2001 को रिलीज की गई थी और इस फिल्म को ऑडियंस द्वारा बेहद पसंद किया गया। लगभग 285 स्क्रीन पर लगने वाली इस फिल्म ने अपने पहले दिन 1,15,00,000 रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली, जो कि दोस्तों 2001 की एक बड़ी ओपनर थी। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में 3,41,00,000 रुपए कमा लिए थे। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। ये फिल्म आज भी टेलीविजन पर बहुत पसंद की जाती है और यही वजह है दोस्तों कि सुपरस्टार गोविंदा सर और संजय दत्त की फैन फॉलोइंग आज भी काफी अच्छी है। बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 18,90,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 35 करोड़ रुपए का रहा था। इस फिल्म का बजट मात्र 11 करोड़ रुपए था और दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं अब बात की जाए दोस्तों 90s के बॉक्स ऑफिस किंग सनी देओल की फिल्म बिग ब्रदर के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिग ब्रदर एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे कि आज भी टेलीविजन पर बेहद पसंद किया जाता है। सुपरस्टार सनी देओल के कैरेक्टर देवा को आज भी ऑडियंस याद करती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में उन्होंने जो काम किया था वो सुपरस्टार सनी देओल के कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट काम था। बता दें दोस्तों आपको कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13 अप्रैल 2007 को रिलीज की गई थी और इस फिल्म के लीड में आपको सनी देओल के साथ प्रियंका चोपड़ा और फरीदा जलाल नजर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को लगभग 290 स्क्रीन्स ही मिली थी और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 82 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। पहले वीकेंड में दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 2,42,00,000 रुपए कमाए। हालांकि दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल के स्टारडम को देखते हुए ये कमाई काफी कम थी, लेकिन बता दें दोस्तों आपको कि यह फिल्म उस वक्त पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 4,94,00,000 रुपए ही रहा, जबकि इस फिल्म का जो बजट था वो लगभग 8 करोड़ रुपए का था। बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त एक डिजास्टर का टैग हासिल किया, लेकिन दोस्तों जैसे ही यह फिल्म टेलीविजन पर आई इसे बेहद ही शानदार टीआरपी मिली। इसी वजह से दोस्तों अब इस फिल्म को सभी हिट मानते हैं। लेकिन बता दें दोस्तों आपको कि इन दोनों ही फिल्मों में जोड़ी नंबर वन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, वहीं बिग ब्रदर उस वक्त पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।